शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम एक विशेष बात, जिसे सबको बहुत अच्छी तरह से जान लेना ज़रूरी है, जो मसीही हैं, विश्वासी हैं और जो कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, तो इस संबंध में पवित्र शास्त्र क्या कहता है हम उसका देख लेते हैं। मलाकी का 3 अध्याय और 17 से देखते हैं। सीनाओं का यहोवा का यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। बिल्कुल हम सुनते आए हैं और सुनते हैं लगातार कि हम सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवकाई है। क्या है सेवा करना? तो उसके लिए पहली चीज़ ये समझ लीजिए, ये शब्द जो निकल के आया है, ये सेवा करना मतलब मदद करना, पैर हाथ दबाना, क्या है ये? और ये बातें बिल्कुल, पर इसका आत्मिक अर्थ क्या है और इसके आत्मिक अर्थ के लिए पहला तिमोथियुस 3:16 में बहुत स्पष्ट कहा गया कि भक्ति का भेद बहुत गंभीर है, और उसमें जो बातें कही गई हैं हम उसे भी सुन लें। पहला तिमोथियुस 3:16, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। ये 2 हिस्से भेदों के रखे गए हैं, सेवा करने वाले और सेवा नहीं करने वाले, और ये धर्म और दुष्ट का भेद। तो जो सेवा करने वाला है के लिए जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड आया है हिब्रू में, वो है अबाद। अबाद का मतलब होता है वर्शिप करने वाला, पूजा करने वाला, प्रार्थना करने वाला। और ये कौन करता है? जबकि वचन कहता है कि आत्मा और सच्चाई से करना, जो इतने नज़दीक रहे परमेश्वर के, क्योंकि ये भक्ति है, ये आराधना है, ये वर्शिप है, जो जोड़ के रखती है। और उसको जोड़ के रखने में प्रभु यीशु मसीह नासरी का नाम, वो लहू, वो प्रतिज्ञाएं हमें नज़दीक पहुंचती हैं। वो अधिकार जो हमें मिला है पुत्र पुत्रियों का, उसके नज़दीक रहने का, वो जोड़ा गया। क्रूस ने हमें परमेश्वर से जोड़ा। उसके बाद क्या वाकई में हम उसकी वर्शिप कर रहे हैं? अगर हम बोलते हैं कि हम सेवकाई कर रहे हैं, तो एक छोटा उदाहरण समझिए कि अगर हम उसके नज़दीक हैं तो वो बात जो हम बताएंगे, किसी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन विनती करेंगे, तो बिल्कुल कम से कम हम उससे बताएंगे और वो सुन पाएगा। नज़दीक हैं तो, उससे जुड़े हुए हैं तो। घर में देख लीजिए, एक मालिक जो होता है, घर का मालिक होता है, और उसके घर में जो सेवा करने वाले उसके कर्मचारी होते हैं, हाथ पैर दबाने वाले, बहुत नज़दीकी, खाना खिलाने वाले या पिलाने वाले, जो उसकी टेबल पर उसकी सेवा करते हैं, तो वो बहुत आराम से किसी मदद के लिए, किसी दूसरे की मदद के लिए बहुत आराम से उससे बता सकते हैं। और अगर उस सेवा करने वाले का आचरण, व्यवहार उसके मालिक को पसंद है, तो वो सुनेगा और खुशी खुशी सामने वाले के लिए कर देगा। पर नज़दीकी संबंध नहीं है तो कैसे सेवा करने वाले हो सकते हैं? पहले तो वो संबंध हमारा कितना प्रगाढ़ होना। तो भक्ति का भेद वो सच्चाई है कि विश्वास जिसने करा ये सच्चाई पर कि हाँ, परमेश्वर मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, हमारे जैसे हमको करके दिखा दिया, और उसने जो बोला वो सत्य है, उसकी प्रत्येक बात पवित्र है, सत्य है, विश्वास योग्य है, वो रचनाकार है, सृष्टि रचाता है, वो सब कुछ है, वो सब भेद जानता है। और उसने चाहा कि हम सचमुच में उसके साथ समय बिताएं। और जब तक हम उसके साथ, उसके घर में, आबाद का मतलब होता है उसके घर में रहना, उसे जानना, पहचानना और वैसी चाल चलन चलना जो उसको भाए। अबाद का मतलब ये है, वर्शिप का मतलब ये है कि जब हम उसके पास जाते हैं तो उसे प्रसन्न करने के लिए जाते हैं। एक व्यक्ति अगर सोच रहा है कि मैं बेकार टाल रहा हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए शारीरिक कार्य कर रहा हूँ, तो उसकी क्यों सुनी जाएगी, जबकि बहुत साफ बता दिया गया है सेवा का क्या अर्थ है। और उसमें निहित जब आप वर्शिप उसकी करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, उसके कहना मानते हैं, तो निश्चित आप वर्शिप करने वाले हैं। या आप ट्रांसग्रेंस है, अगर आप ट्रांसग्रेस हैं तो उल्लंघन करने वाले हैं, अनाज्ञाकारी हैं। वचन की स्पष्टता, पूरा जो नींव है वो सेवा पर है कि सेवा क्या है और हम कर सकते हैं क्या। हम निवेदन विनती करते हैं, सेवा प्रभु की हम करते हैं बोलते हैं, तो सेवा प्रभु की करना, उसके चरणों में रहना, उसके साथ रहना, वो सब बातें जो वो चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा वो करे, उसके राज्य के लिए, लोगों के लिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, उसकी बड़ाई और प्रशंसा करने के लिए, तब हमारा काम होता है कि जब हम यीशु के नाम में इन सच्चाइयों को उसके सामने रखते हैं, उसके सामने रखते हैं, और सामने वाले की मदद हो जाती है। स्वर्ग में आनंद और जय जयकार होता है, क्योंकि ये सच्चाई और सच्ची रीति से किया गया है, पूरी सूझबूझ समझ के साथ किया गया है, पूरे विश्वास के साथ किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि उठाए और प्रार्थना कर दी, जिसे हम बोलते हैं बातचीत कर लिए। वो रिस्पेक्ट, वो आदर, उसके घर में जाने आने का जो हमें मालूम होना चाहिए, हमें जानना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि प्रभु यीशु कैसे प्रार्थना में पिता के पास जाया करते थे, कितने शांत होकर। तो वो चाल चलन, इसका पूरा जो हम देखते हैं कि अबाद एक्चुअल मीनिंग वर्शिप की हम बिल्कुल करते हैं, गाना बजाना, उसकी बड़ाई, स्तुति, महिमा बिल्कुल करते हैं, पर एक्चुअल उसकी स्तुति, महिमा, वर्शिप का मतलब क्या है वो आज ये अगर आप जान लेते हैं तो उल्लंघन करने वाले नहीं बनेंगे। इस भेद को जान जाएंगे कि सचमुच में सेवा करने वाले कौन हैं, और सेवा कर रहे हैं और अर्थ नहीं मालूम तो उनके लिए ये सहायक हो जाएगा। ये हर व्यक्ति के लिए जो जिसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, अगर इस सच्चाई को जानकर पवित्र आत्मा की मदद लेंगे, निश्चित वो आत्मिक उन्नति में लगातार अग्रसर होते जाएंगे। जहाँ कई बार ऐसा लगता है कि हमारी सुनी नहीं जा रही, तो वो वजह क्या है कि सचमुच में हमने आपको एक उसका वर्शिपर बनाया है। अपनी पहचान उसके सामने रखिए एक वर्शिपर की तरह, कि सिर्फ निवेदन विनती करने वाले बने हैं अपने लिए। निश्चित अपने लिए खूब निवेदन विनती करना चाहिए, खूब स्वर्ग से खोलना बांधना चाहिए अपने लिए, खूब आशीष लेना चाहिए अपने लिए, बिल्कुल लेते रहिए अपने लिए। पर सेवकाई क्या है, सेवा क्या है, वो जो दबे कुचले हैं, वो जो नहीं जानते और हमारे सामने आते हैं, तो सचमुच में हम वो जहाँ पर हम खड़े हैं उस बात के लिए, उसके लिए खड़े हैं, इसका एहसास हमें तब बनेगा और तब हम दृढ़ होंगे जब हम उसकी सेवा कर रहे हों। सेवा अतर, मैंने बताया ना, हाथ पैर दबाने वाला कितने आराम से कर देता है। खिलाने पिलाने का बाइबल में देखा गया है, नहमिया का देखा गया है, ये पिलाने वाले कितने आराम से अपने राजा से बात करते थे, वो नज़दीक रहते। लगता ऐसा है नज़दीक रहने के लिए उसकी संगति की आवश्यकता है, और संगति की आवश्यकता के लिए हमारे जीवन से प्रसन्न करने वाली बातें उसके सामने हो, हमारा आचरण हो कि वो हमारी सुने। ये ऐसा नहीं है कि सुबह उठे अब हम प्रार्थना में जा रहे हैं, तैयारी कुछ भी नहीं, चले उठे, और बिल्कुल धन्यवाद देना चाहिए। पर मूल बात उसकी महिमा और स्तुति उसके राज्य के लिए काम करने योग्य होने पर होती है, और वो काम की योग्यता उसके नज़दीक रहने से आती है कि हम उन सब के लिए जो पीड़ित हैं, जिन पर वाकई में दया होनी चाहिए, चाहे वो मसीह को मान रहे हों ना मान रहे हों, हम उनके लिए निवेदन विनती रख सकते हैं। हम सारी सृष्टि में उसकी बातों को याद दिलाकर उसके सामने बड़ी नम्रता और आदर सम्मान से वो बात रख सकते हैं। और जब हम ये रखेंगे तो सारी सृष्टि के लिए भी हम उसकी महिमा और बड़ाई का कारण हो सकते हैं। बाइबल में बहुत साफ है, परमेश्वर जब इस रीति से देखता है आज्ञाकारिता, तो वो अपने निर्णयों को बदलता है, वो बचाने वाला बनता है, वो नाश करने वाला नहीं है। आज बहुत सारी घटनाएं घटित होनी हैं और उसके चिन्ह बहुत स्पष्ट हैं, और उससे भी भयानक घटनाएं जो सूर्य के द्वारा 2025 में उसका स्ट्रोम के द्वारा होगी, ये ग्रहण के द्वारा जो होती रहती हैं। अगर हम ये घटनाएं इसलिए हमारे सामने हैं कि उन घटनाओं को देखकर हम आंदोलित होते हैं क्या, चाहे वो इस संसार के किसी देश में घट रही हो। हमारे अंदर से क्या परिलक्षित होता है, हम क्या रिफ्लेक्ट करते हैं उस घटना के संदर्भ में, परमेश्वर के सामने। विचारों में नहीं, डिस्कशन में नहीं कि लोगों के सामने हम कौन से विचार इन घटनाओं के लिए रख रहे हैं। और यही वो भक्ति का भेद है जहाँ पर सचमुच में हम अपना वो प्रेम जो उसने हमारे हृदय में रखा है, या हमारे हृदय की कोमलता उसके सामने प्रकट होती है। वो हमारे हृदय को जांचता है ना। ये तमाम घटने वाली घटनाओं को के लिए वो देखता है कि हम उस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं। और उसमें ये भेद जो है वर्शिप का, उसकी संगति का, उससे रिलेशनशिप का, आचार विचार व्यवहार का, उसकी उपस्थिति में, ये नहीं है कि हमने एक टाइम बांध लिया और उस समय हम जा रहे हैं। जैसे बाइबल में लिखा है 3 बार जाता था, 5 बार जाता था। प्रभु यीशु के द्वारा आप हमेशा उसके चरणों में आत्मा में रह सकते हैं। ये इसे पूरा किया प्रभु यीशु ने, और वो हमेशा के लिए महायाजक बनकर स्वर्ग में हैं। क्यों हमेशा के लिए? क्यों बोला गया कि मेरा बाप 24 घंटे काम करता है, और जैसा मेरा बाप करता है उसको देखकर मैं करता हूँ। प्रभु यीशु ने कहे, जो स्वयं परमेश्वर हैं। ये बातें क्यों कही गई? कि इसे हम जाने पहचाने, इस गंभीरता को। और आप देखिएगा, क्योंकि हमारे मन प्राण आत्मा बुद्धि की ये लालसा है, हम में से प्रत्येक की ये लालसा है कि हम उसके चरणों में रहें। शरीर की विडंबना और संसार का सारा कुछ जो परिदृश्य हमारे सामने आता है, उससे विचलित होकर हम उस संगति से अलग होते हैं। पर वहाँ बहुत ज़्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। हमारी आत्मा की इच्छा अपने मन प्राण बुद्धि से की सारी शक्ति से उसे प्रेम रख, ये हमारे अंदर जब समाहित रहेगा, ये याद रहेगा, आप देखेंगे कि आत्मा काम करेगा, पवित्र आत्मा। क्योंकि आत्मा को काम करने देना है, हमारे द्वारा नहीं होगा, हमारे बल शक्ति से नहीं होगा। उस विश्वास से कि कैसे वो हमारे लिए मारा गाड़ा गया, कैसे वो जीवित हुआ, लोगों को दिखा, अपनी आखिरी वसीयत चेले बनाने की सामने रख दी। एक अच्छा वर्शिपर जो उसके साथ है, वही उसका चेला हो सकता है। जो उसके साथ रहना चाहता है, वही उसका चेला हो सकता है। थोड़े थोड़े समय के लिए किया जाने वाला, बिल्कुल लोगों के बीच में सेवकाई की आवश्यकता है। जाना आना ये रखा हुआ है, प्रचार, शिक्षाएं, सिखाना, और ये सब रखे हैं, उपदेश या भविष्यवक्ताई, जो सच्चाई के साथ ठोकर खाने से बचाने वालों के लिए भी ऐसे सब रखे गए हैं। पर भक्ति का भेद ये है कि जो सचमुच में उसकी आत्मा और सच्चाई से सेवकाई उसके नज़दीक उन बातों को बताकर और उन सब बातों को जब हम देखने लायक होते हैं। आज संसार में घटित सब बातों को देखना हमें आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ये दिखाना चाहता है, वो देखने वाली आंख दी है। और आज इंटरनेट के युग में ये सब संभव है, बहुत नज़दीक है कि आज हमको मालूम है कि कितना भयानक असर अमेरिका में पूर्ण सूर्य ग्रहण का होना है। उसके द्वारा अगर आप वहाँ का सलेम देखेंगे, 7 जो जैसे हमारे इंडिया में 7 सिस्टर जो मणिपुर वाला एरिया है वो 7 सिस्टर कहलाता है, वैसा ही सलेम 7 राज्य जिनमें लगातार और ये कहाँ से कहाँ तक कैसा प्रभावित होगा वो जगह रखी गई। वहाँ क्या क्या हो रहा है, राजनीतिक पहलू वो उस पर बात नहीं कर रहा कि कैसे कैसे निर्णयों ने क्या क्या और कैसा कैसा हुआ है। परमेश्वर ने आज सबसे ज़्यादा संपन्न किसको किया, देख लीजिए आप, पूरे वर्ल्ड में यहूदियों, ज्यूस लोग हर जगह उनके द्वारा पूरी इकोनॉमी हैंडल की जाती, उनके द्वारा तमाम संसार की बड़ी बड़ी कंपनियां, ऐसे ऐसे ये तमाम लोग, चाहे वो गूगल के हों, फेसबुक के हों, ये जितने माइक्रोसॉफ्ट के हों, ऐसे ऐसे नाम उनने कितना बढ़ाया। कई लोग तो ऐसे हैं कि हमारे जीडीपी के 2.5 गुना ज़्यादा उनके पास ट्रिलियंस में दौलत है और परमेश्वर ने उनको स्थापित किया, ये अकल दी। एक शानदार नाम आपके सामने रखता हूँ, ये सब बिलगेट्स वगैरह तो आपने सुने हैं। एक जो हैरी फिंक, ये वो नाम है जो ब्लैक रॉक का संचालन करता है। ये सुन के कैसा लगता है कि ये सच्चाइयाँ कि उसके बराबर कोई भी कहीं पर भी, यानी जो हमारा जीवित परमेश्वर है और आत्मा में जब हम इजरायली हैं, यहूदी हैं, उसकी आराधना करने वाले, अबाद से है यहूदी, क्या उसकी प्रशंसा करने वाला, प्रेजिंग करने वाला परमेश्वर की, उसके अनुसार जो बताता है। ये भक्तियों का भेद कहीं जानेंगे लोग, गाना बजाना भक्ति है, उसके सामने झूमना भक्ति है, बिल्कुल उसे लगता है मन के, तो वो मन यीशु का हुआ ही नहीं, वो तो हमारा मन है। पर परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसकी समानता और स्वरूप में उसमें समाहित हो जाएं, उसे पहन लें, ओढ़ लें, उसकी महिमा के अंदर आ जाएं हम। और ये उसके नज़दीक रहने से, यीशु के नाम में वो लहू, पवित्र आत्मा की मदद, ये सब मिली हुई है। उसमें जो हमारा परखने का नज़रिया है उसे बदलना पड़ेगा। हम परखते हैं ना, एहसास करते हैं ना, बिल्कुल चमत्कार वो एहसास कराना है ना। आज जब मैंने पिछले उसमें वो अभिषेक लोग पा रहे हैं, उनके जीवनों में प्रकाश आ रहा है, वो आग मिल रही है उनके, वो समझ आ रही है, वो बदल रहे हैं। तो इन कमियों के लिए भी अभिषेक रखा गया है। परमेश्वर हमारी दुर्बलता को जानता है, पर एक वारिस होने के, एक अधिकारी होने के, एक अच्छे पुत्र पुत्री होने के लिए उसने हमारे सामने सब बातें अपनी मेज में रख दी हैं कि हम उसमें से क्या चुनते हैं। अब सेवा करने वाले दास अगर हम बनते हैं तो प्रभु यीशु दास बनकर भी, तो दास का काम क्या है वो भी ठहरा दिया। तो जो भक्ति का भेद और जितने ये भेद की बातें हैं, आज हमने जाने कि सेवा का भेद, धर्म और दुष्ट के भेद का अंतर, जो पवित्र शास्त्र में ये पवित्र आत्मा के द्वारा इतना स्पष्ट है। सचमुच में आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले बनेंगे और प्रकाश और सच्चाई आपकी अगुवाई करेगी, और जो वचन की सच्चाई कह दी है उस पर प्रतीति कर लोगे, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें मलाकी 4 में, तो कितना साफ बताया गया है। एक छोटा सा अध्याय है पर भरपूर है उन सब बातों से, तो उसे सुन लेना भी जरूरी है। आखिरी समय की आखिरी बातें, उसमें से थोड़ी कुछ, और ग्रहण करने वालों के लिए तो यहाँ बहुत स्पष्ट है, क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता ना रहेगा। ये सुन के यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो निश्चित नाश हो जाएंगे ऐसे दुराचारी, और बिल्कुल हम देख रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी सी बात सूर्य ग्रहण की करी और उसके असर बिल्कुल निश्चित वहाँ पर हमेशा पड़े हैं और सारी सृष्टि में देखे जाते हैं। इसके स्कॉलर्स बहुत साफ तरीके से वो नुकसान का बताते हैं कि कौन कौन से नुकसान हुए, पर बाइबल का जो आत्मिक क्षेत्र है वो कैसा बताता है आज हम ये सुन ले रहे हैं। 2025 में जो सोलर स्ट्रॉम आने वाला है, वो जो 11 सर्कल पूरे हो रहे हैं और 1876 समथिंग के आसपास ऐसा हुआ था जब इंटरनेट नहीं था, टेलीग्राफ था, तो पूरा नाश हो गया था। और आज कितने डरे हुए हैं जो ये बात जानते हैं कि इंटरनेट बर्बाद हो जाएगा। वो इतना विस्फोट, उसके प्लेयर्स जो निकलेंगे, अब इस भाषा को पर अगर आप इसको सर्च करेंगे सोलर स्ट्रोम तो उसमें ये डिटेल मिलेगी और इंटरनेट के लिए बचाने के लिए कितना सारा काम किया जा रहा है। तो घटनाएं ये देखना आज हम देख रहे हैं, धधकते भट्टे का सा दिन होगा। वो सूरज 7 गुना गर्मी देगा, प्रकाश देगा, क्या हाल होगा ये हम देख रहे हैं। ये अबाद के अंतर्गत देख रहे हैं। अबाद आइन से शुरू होता है और आइन लेटर आँख को दिखाता है कि अगर हम ये देख रहे हैं और अगर हम उसके घर में हैं तो दालेत, बेत मतलब घर, अबाद और दालेत चाल चलन को दिखाता है। तो आत्मिक चाल चलन के लिए इस विषय पर हमारे जब आ रहा है कि इस तरह से नाश होंगे और हमारा हृदय कोमल है तो एक बात आएगी कि वैद्य किसके लिए होता है? बीमारों के लिए। यीशु ने कहा वो इसलिए आया कि ये तमाम दुराचारी अधर्मियों को बचाए। तो नाश हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, एक ही पहलू। तो हृदय कोमल है तो क्या आएगा? अपने आप प्रार्थनाओं में वो बात आएंगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्ट को लथाड़ डालोगे, अर्थात मेरे उससे ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं का यही वचन है यहोवा का। ये वर्शिपर के लिए कि वो क्या क्या कर पाएंगे और दुष्ट को, एक मनुष्य को नाश करने के लिए बात कर रहा हूँ। दुराचारी मनुष्य होता है या उसके पीछे की दुष्टता, जो मैंने बताया उल्लंघन करने वाला, वो उल्लंघन कर रहा है। और जब ये निवेदन विनती इस वचन की सच्चाई से, इस विश्वास से कि मैं इस बात को रखूंगा परमेश्वर के राज्य के लिए, और मेरे यीशु ने ये कहा है कि कोई क्यों नाश हो, सब बचाए जाएं। तो वचन यहाँ जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में क्या घटित हो रहा है, हमारी बुद्धि में क्या घटित हो रहा है, पवित्र आत्मा यही तो देखते हैं। और आप पुकारेंगे और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ और सुनेगा और करेगा। उन दुराचारियों के लिए आप चंगाई क्या है पहले खुद की, है ना? कौन सी चंगाई की बात करा? यही भेद से चंगाई। और जब ये होगी तो बाहर निकल के वो सारी चीज़ों को जो लोगों के लिए कष्टकारक है, कठिन है, असंभव सी है, परमेश्वर की अधीनता में, यीशु के हाथ में सब अधिकार है, उसके लिए सब संभव है। और आखिरी में इसका आप पढ़ेंगे तो एलिया आएगा और ये जो बंटवारे हो गए हैं, एक दूसरे से अलग हो गए हैं, उनका मन एक दूसरे की ओर करेगा। ये इतना खूबसूरत है और इसमें परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं का बता दिया, निर्देश का बता दिया, जो भली हैं और वो है, वो सब बातें जो ले जाती हैं उसके चरणों में ले जाती है, आज्ञाकारिता उसके करीब करती है। वो कठिन नहीं है, पूरी व्यवस्था पूरी उसके चरणों में हमको पहुंचाती है। आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से किया गया कर्म मन को चैन दे सकता है, थोड़ी तसल्ली दे सकता है, पर हमेशा की शांति नहीं दे सकता। हमेशा की शांति उसके चरणों में है हमारी आत्मा के लिए, और वो हर बात पूरी करने के लिए तैयार है, उसका वादा है। तो इस भेद को जान लीजिए। एक सही सेवकाई आपके द्वारा हो, सेवा करने वाले का अर्थ समझकर उसकी सच्चाई से आराधना करना, उसकी वर्शिपर, आप एक शानदार वर्शिपर होकर उसके नज़दीक रहकर इन बातों को उनको बताना कि वो सब जो आसपास हो रहा है उसमें यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरी क्या भूमिका रहे, ये तो आपको तय करना पड़ेगा। और पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शक बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, सिखाने और समझाने वाले बनेंगे। और सच्चाई से इस बात को जब हम जानते चले जाएंगे, वो अभिषेक आपके लिए वो हर कठिनाइयों को सरल कर देगा, हर बंधवाई बंधन से छुटकारा पाएंगे। क्योंकि हम सब उसकी आराधना करना चाहते हैं, करने वाले हैं, पर जो रीति आत्मा की है उसमें योग्य करने के लिए हमें पहले से सब कुछ मिला है। हमारी व्यर्थ का प्रयास हमें कहीं पर भी सफल नहीं करेगा। वो व्यर्थ में पसीना बहाना होगा, व्यर्थ में उसका नाम लेना होगा जो कहीं से भी उचित नहीं है। तो या तो आप वाकई में उल्लंघन को समझ जाएं कि उल्लंघन कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किस प्रेरणा से कर रहा है, उसका जाना आना यीशु के नाम से किस हेतु है, क्या उसका प्रयोजन है। पर सच्चाई, यीशु ने पैर धोए, दास बना, चेले कैसे हुए होंगे। आज जब हम छोटे बनकर सच्चाई और आत्मा से मदद करते हैं तो यीशु को फॉलो कर रहे होते हैं, न कि किसी को छोटा बनाकर। हम परमेश्वर से दूर होते हैं, पवित्र आत्मा से दूर होते हैं, यीशु से दूर होते हैं, वचन से दूर होते हैं, भक्ति से दूर हो जाते हैं, सेवा से दूर हो जाते हैं, और कुछ नहीं, पूरा समय दुष्टता मजाक उड़ाती है। और जो आज का दिन मिला है कि सारी सृष्टि पर की जय जयकार हो, उसका धन्यवाद गूंजे, सिर्फ उसका नाम सारी सृष्टि पर प्रकाशित हो, उससे हम वंचित होते हैं। क्योंकि ये सब बड़ी बड़ी बातें जो लग रही होंगी, पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, और ये सब बातें सारी सृष्टि में सब हृदयों के लिए, सब आत्माओं के लिए, हाँ, दुष्टता के लिए ये वो खतरनाक जहर है और आग है जो उसके कान के पर्दों को झंझना के उसे दूर कर देगा हमेशा के लिए। वो करीब क्यों नहीं आ पाएगा मेरे, सिर्फ इसी बात के लिए कि वो सच्चाई जो प्रभु यीशु है, जिसको वो छिपाना चाहता है, मैं जान गया हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये हमेशा मेरे साथ होकर वो सारी चीज़ें जो आज आवश्यक है और जब तक मैं आवश्यक हूँ वो पूरी करते रहेंगे, उसकी आशीषों के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, और उसके धार्मिकता के द्वारा जो मेरे लिए है वो सब आपके लिए भी है। आप उसके खूबसूरत संतान हैं। इसमें से कितने कितने कितने, हाँ, कुछ चीज़ें ये अंतिम समय के लिए, ये अभिषेक के, ये वो सामर्थी सच्चे जीवित वचन सचमुच उस निराशा से आपको उभार कर एक नया योद्धा बना देंगे। वचन की सच्चाई ये है, भेद ये है भक्ति का, कि अब वो आत्मिक युद्ध में हमेशा आपकी कमर कसी रहे, और उन सब बातों का इनकार जो, जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं, नकारात्मक बोलते हैं, उसकी पहचान और उसमें परमेश्वर की बड़ाई, और दुष्ट को लज्जित करिए।